विजय जौली जी को जिन्होंने देखा हो और 25 साल बाद देखा होगा तो आपको लगता होगा टाइम रुक गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ कुछ ऐसा दिखता होगा। पहले विजय जौली जी कैसे दिखते थे बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन 25 साल बाद कैसे दिखेंगे ऐसा चेहरा उन्होंने पास लाकर रख दिया कि 25 साल बाद मैं ऐसा दिखूंगा। अब बात करते हैं दो देशों के बीच में, एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी कि दो देशों के बीच में कंपैरिजन करें कि मेरे देश में ये है और रशिया में वो है, रशिया में ये है और हिंदुस्तान में ये है। कंक्लूडिंग ये है कि जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। दो देशों के बीच में जब मिलन होता है, जब कोई सूत्रपात करता है, कोई एक जो राजदूत है वो एक शांति दूत की भूमिका भी अदा करता है, तभी वो एक ही पद पर 25 साल तक बना रह सकता है। इतने सेंसिटिव, इतने नाजुक पद पर 25 साल टिके रहना, बने रहना और सारी चीजें कितने शौक होते हैं उनको एब्जॉर्व करने की ताकत रखना, ऐसा व्यक्ति ही कोई कर सकता है। वो एक कंप्लीट, एक परफेक्ट पर्सनैलिटी ही कर सकती है और वो परफेक्ट पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में बैठी है। मैं उनको आप सब की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं और सैल्यूट करता हूं आपकी शख्सियत को। बहुत सारी बातें मैंने बहुत आज थोड़ा सा देखा कि भाई रशिया में और हिंदुस्तान में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, तो मुझे बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिली, पर मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, सीधे सीधे मैं चाहूंगा कि आप जो प्राइम स्पीच है उसको सुने। लेकिन बहुत सारी अच्छी बातों के बीच में, जैसे यहाँ से मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के लिए बुद्धिज्म यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट वहाँ पर इतनी अच्छी वहाँ पर इसकी ग्राह्यता, इतनी स्वीकार्यता है कि लगा कि भाई कुछ यहाँ से गया और वहाँ पर वो स्वीकार हुआ। और कहीं कहीं पे जहां पे देखते होगे कि दो भाई होता है, इंडिया की इकोनॉमी हिलने लगती है और रशिया की जो इकोनॉमी है वो शाइन करने लगती है, वो ये एक छोटा सा तेल वाला हमारा इंटरेस्ट जो है ना, वो भी काश अगर हम दोनों देशों को एक माने तो तेल को भी हम अपना माने तो हमारे यहाँ भी तेल वाला क्राइसिस खत्म हो जाए और बाकी छोटे मोटे राजनीतिक ये बॉर्डर वाली दूरियां, आने जाने की दूरियां तो एम्बेसडर साहब इतने अच्छे हैं कि इन्होंने दूर कर ही रखी हैं। कुल मिला के जिंदाबाद दोनों देशों के लिए, दोनों देश सलामत रहें, दोनों देशों की दोस्ती सलामत रहे। हमारे एम्बेसडर साहब 100 साल के हों, बड़ी लंबी आयु जिए, विजय जौली जी ऐसे कार्यक्रम करते रहे जिस कार्यक्रम में हम आए हैं सम्मान करने, पर फील कर रहे हैं कि हम सम्मानित हुए हैं इस सम्मान करने में। बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप यहाँ सब इकट्ठे हुए दोस्तों, हिंदुस्तानी और विदेशी दोस्तों को भी आपके जीवन में, आपके सब कार्यों में बड़ी तरीका और बड़े सफलता की कामना करना चाहूंगा तथा बहुत अच्छे स्वास्थ्य आपके घर वालों के बच्चों को, सब हमारे मित्र देश के नागरिकों को भी मैं अपना धन्यवाद प्रकट करता हूं। कभी नहीं मुझे मेरी याद में, मेरे मन में ये विचार आ सका था कि इस मई दिन को यहां दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतना विशाल समारोह आयोजित किया जाएगा, लेकिन वो आयोजित किया गया है और इसलिए भी मैं दिल्ली स्टडी ग्रुप के प्रेसिडेंट और उनके उप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति नहीं कह सके उपाध्यक्षों को, सभी उपाध्यक्षों को मैं भी अपना गहरा धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जैसे कि मैं समझ सकता हूं दिल्ली में सब चार इलाके के मेयर यहां उपस्थित हैं, इसलिए दिल्ली में रहते हुए मुझे कोई डर नहीं है और दिल्ली हमारे हाथों में है। और मैं और क्या, एक और बात में आकर्षित, एक और बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि ये जो यहां रंग है वो मेरे आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस का रंग नहीं है, रूस के कोई आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस इन दिनों में नहीं है, ना तो कि पुराने जमाने में कि हम सब जगह बिल्कुल लाइट है। ये कहकर मैं अपना किनों दृश्य पढ़ूंगा, मुझे माफ कीजिएगा,
वो अंग्रेजी में होगी, लेकिन ये मेरे विचारों और मेरे राइटिंग्स का एक समअप है। कुछ विचार मैं दोहराऊंगा, लेकिन ये मैं विशेषकर करूंगा कि आप हमारा दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझ सकें। लाइक द रशियन मर्चेंट फ्रॉम ट्वेर Afanasy Nikitin with his famous voyage beyond the three seas, I stepped on this land in a quest of its eternal values in philosophy, ethics and truth, at the same time immersing into the depths of my own mind and education. Was it a sip at magic indica potion, a spell of this country's charm, or have I been hit by Kamadeva's sweet arrows of Indophilia? Or was I attracted by Nicholas Roerich's Indian magnet? Perhaps the mortar which cements our vision of India is a mosaic amalgam of various components, starting from the high infatuation with the unknown and the mysterious, to things very rational and down to earth. Recollecting innumerable brief and long encounters with India and sojourns here in various capacities during a 42-year-long diplomatic career, one thing has always remained a permanent feature, a common denominator, and, in a way, a riddle: the amazing phenomenon of Russian-Indian chemistry of affection for each other. Too fondly and distantly remember very first encounter with India in childhood. It was the time when Avara and Sri Charsobis were conquering Russian hearts. That post-war period was not easy for my country, but Raj Kapoor's movies boosted people's morale and filled their souls with the warmth of hearts and climate of a faraway India. Then followed the Jungle Book, Ramayana, Panchatantra, and Hipadesha, and later more serious academic books on India like Jawaharlal Nehru's Immortal Discovery of India. After school, the question of future profession did not baffle me at all. I dreamt of becoming a student of India, and my fervent wish was duly fulfilled when I entered the prestigious MGIMO University under the Foreign Ministry in Moscow.